हाँ तो मित्रों, अब मैं आप लोगों को अचल संपत्ति के नाश के योग के विषय में बतलाता हूँ। बहुत लोगों को आपने देखा होगा अपने बाप दादाओं की पूर्वजों की प्रॉपर्टी जमीन जायदाद घर द्वार आदि तक बेच देते हैं। मैंने अपने लाइफ में देखा है, आपने देखा है या नहीं आप देखे, परंतु ये योग किसी भी इंसान के जीवन में कैसे बनता है अगर कुंडली की बात करें, ज्योतिष की बात करें तो यदि आपकी कुंडली में दूसरे घर का मालिक बुध के साथ में अगर दूसरे घर में ही बैठा हो, यदि आपकी कुंडली में धन भाव का मालिक बुध के घर का होकर के सेकंड हाउस में अगर उसके साथ में ही बैठा हो और मंगल चौथे घर में बैठा हो, तो ये अचल संपत्ति के नाश का योग बनाता है। ऐसा जातक धीरे धीरे करके अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी जमीन जायदाद यहाँ तक कि अपना घर द्वार कपड़ा तक बेच डालता है और जीवन में चाहे कितने भी बड़े जमींदार के घर में पैदा हुआ हो दरिद्र हो जाता है इस योग के वजह से। तो अगर इस तरह के दोष आपकी कुंडली में हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को दिखाइए और कोई ना मिले तो हमें संपर्क कीजिए। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हो फोन पर आप हमसे संपर्क करके सलाह ले सकते।